गोरखपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ा। बुधवार को पिछले 24 घंटे में 323 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 4397 हो गई है। इस दौरान मंगलवार को 5 और कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। अब तक 76 कोरोना पॉजिटिव मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 1034 लोग अब तक स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं 1186 लोग होम आइसोलेशन में हैं। जिले में इस वक्त कुल 2101 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि आज पाए गए नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सदर क्षेत्र में 167 और ग्रामीण क्षेत्र में 156 संक्रमित मरीज शामिल हैं, जिसमें शहर क्षेत्र में तारामंडल, जगन्नाथपुर, नौशन, बड़े काजीपुर, रामदत्तपुर, अधियारी बाग, महवा मंडी, सुभाष नगर, पुराना गोरखपुर, कोतवाली, धर्मपुर, जंगल, शालीग्राम, पांडेहाता, हनुमान मंदिर, राप्ती नगर, ललितपुर, बख्शीपुर, तिवारीपुर, आजाद नगर, रसुलपुर, तिलक नगर, महादेव झारखंडी, लाल डिग्गी, तहसील सदर, रुस्तमपुर, सिविल लाइन, डेयरी कॉलोनी, आदित्यपुरी कॉलोनी, चंपा देवी पार्क, हरिओम नगर, कैलाश नगर, दाऊदपुर, शिवपुर, शहबाजगंज, गीता वाटिका, मेवातीपुर, माधवपुर, रामनगर, जाफरा बाजार, चकसा हुसैन सहित ग्रामीण क्षेत्रों के बासगांव, बड़हलगंज, बेलघाट, भटहट, ब्रह्मपुर, कैंपियरगंज, चरगावा, गगहा, गोला, जंगल कौड़िया, कौड़ीराम, खजनी, खोराबार, पिपराइच, पिपरौली, सहजनवा, सरदारनगर सहित अन्य जगहों पर 32 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की कोरोना की जांच कराई जाएगी। साथ ही जहां भी संक्रमित मरीज मिले हैं उस इलाके को सील करने के साथ सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।